सचिन डैशिंग कपिल है ना. सो बाय द वे, हाँ थोड़ा कम था, थोड़ा और ज़रा होना चाहिए. यस यस यस. ओके, सो द टीज़र हैज रिसीव्ड, ऑब्वियसली इट विल रिसीव व्हेन यू हैव सच अ ग्लैमरस कपल इन दैट. इट हैज रिसीव्ड सुपर्ब एंड अनपैरेलल्ड सपोर्ट ऑफ द फैंस. द फैंस हैव बीन ईगरली वेटिंग टू लॉन्च. एग्जैक्टली द लॉन्च ऑफ द सॉन्ग के लिए बहुत ही ईगरनेस थे. आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे ये लॉन्च शुरू हुआ, पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग द रील्स एंड ईगरली वेटिंग कि सॉन्ग कब देखने मिलेगा. सो टुडे इज अ डे दैट वी आर लॉन्चिंग द फुल सॉन्ग. सो नाउ मूविंग अहेड, आई वुड रियली लाइक टू वेलकम मिस्टर राजीव जॉन सोशल ऑन द स्टेज प्लीज. मिस्टर राजीव सर, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हियर मिस्टर राजीव सर. So, Mr. Rajiv sir, I would like to request you that you please call upon on the stage the cast and the director and the singer of the song. Yes, please guys, come over. Gandhi, Sureshji, Bhavnaji, Amit. I'd like everyone to be on the stage, please. Kitan, tu baith ja. Topi. 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 भाई फोटो मांगने नीचे बैठ जाना. भाई फोटो मार के नीचे हो जाना. Can we have the music on the background, please? धक्का मत देना. अरे अलग क्यों नहीं ले डाला. मतलब आप जितनी गाने में सुंदर लग रही होती, पर्सनली बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हो. राइट, वी हैव अ साउंड फॉर दिस. ओके, नहीं आ रही. ओके, so I have already given you an aap bhi bahut khoobsurat. thank you main piche hi aapko bol gaya. Are thank you. So one thing I want to know from you that how excited are you for this song launch? You do launch on your aspect, how excited? Of course, first of all, a very good evening to all of you. Or for the song, obviously we all are very excited, from the producers to the director and my husband, me. Everybody is very excited, and for a special reason, because this is the first time that I am doing something like this with my husband after 11 years. 11 साल के बाद शादी को भी 5 साल हो गए, और उसके बाद हम लोग पहली बार कुछ साथ में कर रहे हैं, और ऐसा रोमांटिक गाना. वरना everybody knows संभावना एज ए डांसर. सब आप लोगों को पता है ना, ये पता है कि नहीं? नहीं जानते पता है ना कि डांस करती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं डांस, पता है ना. अच्छा, बहुत सारा ना. तो ये जो है, ये मैंने कभी बहुत सारा नहीं किया जो मैं अब इस गाने में कर रही हूँ. तो आई एम श्योर ये जो बहुत सारा इसमें किया है मैंने, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. एंड मेरा अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं आपको ये जरूर बोल सकती हूँ कि एक्सप्रेशंस किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, किस तरह से मूड रखना चाहिए, वो मैंने अविनाश से सीखा है. क्योंकि अविनाश के बिना मैं ये परफॉर्म नहीं कर सकती थी. यू नो द मोमेंट यू से यू नो 1 2 3 4 संभावना परफॉर्म करना है, मैं आपको रैंडम ऐसे ऐसे शॉर्ट्स दे दूंगी डांस के कि आपको लगेगा कि अरे काफी है. बट व्हेन इट कम्स टू रोमांस, वो मूड और यू नो थोड़ा बहुत आपको स्लो एंड स्टेडी करना है, वो मैंने अविनाश से सीखा है. अविनाश, आई वांट यू टू से अ फ्यू वर्ड्स.
और मुझे लगता है आप लोगों के सामने अविनाश पहली बार आया, जरा आप लोग भी जरा तालियां बजाइए मीडिया, मीडिया की दो तालियां आई हैं, मुझे सारी चाहिए। So here, मैं चाहती हूँ कि अविनाश should say a few words. Actually, संभावना ने हो सकता है मुझसे expressions सीखे हों, वैसे मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है सीखे हों, लेकिन मैंने romance संभावना से सीखा क्योंकि मुझे romance का आर भी नहीं आता था, मुझे बाद में पता चला romance होता क्या है, और ऑन स्क्रीन रोमांस और भी डिफिकल्ट था हम दोनों के लिए, क्योंकि जब आप ऑफ स्क्रीन रोमांस करते हो तो थर्ड पर्सन नहीं होता देखने के लिए कि रोमांटिक लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन जब आप स्क्रीन पे होते हो तो पूरी दुनिया होती है देखने के लिए कि रोमांटिक लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो ये एक चैलेंज था हम दोनों के लिए, हमें लगता था कि केमिस्ट्री तो है बट वो स्क्रीन पे निकल के आएगी कि नहीं आएगी, और अभी भी नहीं पता क्योंकि अभी गाना रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, आप लोग बताएंगे, एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस थिंग, एंड सुरेश जी जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, राजीव जी जो प्रोजेक्ट हेड है, डायरेक्टर है अमित, पूरी फोटोफिट म्यूजिक की टीम जिन्होंने ये सोचा कि करवा चौथ की थीम है और अविनाश संभावना होने चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उनके दिमाग में इमेज आई कि हम एक ऐसे कपल हैं जो करवा चौथ की थीम को निभा सकते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब लोगों को ये जरूरी है कि संभावना और अविनाश को ही साथ में होना चाहिए, ये पहला गाना जरूर हम लोग साथ में कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अविनाश औरों के साथ भी काम करें ताकि मैं और वो कैसा रोमांस निकल के आता है वो जरा देखूं, ताकि घर पे आकर मतलब सब कुछ तैयार रहे डंडे डंडे। हाँ मतलब वहाँ रोमांस हो सकता है बस, बट अगर ये सेट पे ना हो तो हाँ, नहीं तो फिर थोड़ा फिर वो लव ट्रायंगल हो जाएगा। We are really excited. अभी हम चाहते हैं आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स हो ये देखने के लिए और गाना रिलीज करना चाहेंगे। One person I'm missing here, वरदान सिंह, जिन्होंने बहुत ही कमाल की मधुर आवाज है, जिन्होंने कंपोज किया गाने को, एंड वी आर रियली हैप्पी कि एक ऐसी टीम के साथ काम करने का मौका मिला। थैंक यू। खूबसूरत सा एक वर्ड जरा इनसे सुन लीजिए, आपको पता लगेगा मैं क्या बोल मतलब ये क्या बोल रहे हैं। रात की थाली में चांद परोसा है, रात की थाली में चांद परोसा है। बहुत बहुत थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एक्चुअली आवाज मेरी है मैं पूछ रही हूँ, बट ये फैंस की तरफ से क्वेश्चंस है, एंड दे ऑल आर सो ईगर टू नो अबाउट द म्यूजिक, द सॉन्ग, द कास्ट, एवरीथिंग। सो पहला सवाल है मिस्टर सुरेश भानुशाली से, सुरेश सर द टीजर इट्स 1 million, हाँ, इन जस्ट लेस देन 24 hours, इट्स इन ह्यूज थिंग एंड इज गेटिंग एन इमेंस रिस्पॉन्स, इसके बाद नाउ इट्स टाइम फॉर सॉन्ग लॉन्च, मतलब टीजर ने इतना धमाका कर दिया है तो सॉन्ग लॉन्च तो धमाके पे धमाका करने वाला है, तो व्हाट डू यू लाइक टू से अबाउट टू योर फैंस? हेलो, फोटोफिट म्यूजिक में आप सभी का स्वागत है, मीडिया वाले यहाँ आए हुए सारे मेहमान, अविनाश जी, संभावना मैम, वरदान सिंह जी और हमारे डायरेक्टर्स, मेरा नाम सुरेश भानुशाली है। हम लोगों ने फोटोफिट म्यूजिक कंपनी इस पर्पज से चालू किया था कि जब भी कोई आए जिसके पास हिडन टैलेंट पड़ा है, चाहे वो संगीत हो, चाहे उनके पास में कोई भी कला है, एक्टिंग हो, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आप लोग हमारे मंच पे आइए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, और आगे भी आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ देखने मिलने वाला है, जैसे ये इतना ब्यूटीफुल कपल है, इनके साथ में और कुछ भी हम आगे की मंजिलें बहुत तय करने वाले हैं, नई नई चीज़ें देखने मिलेगी, तो आपका प्यार यूं ही बना रहे हमारे साथ में। रही बात ये टीजर की चांद का, तो चांद हमने सोचा नहीं था, वेरी फ्रेंकली एक दिन अमित जी आए मेरे पास और बोला कि करवा चौथ पे हम एक आध कोई गाना बना सकते हैं, मैंने करवा चौथ पे कोई गाना बनाता है, कोई देखने वाला होना चाहिए ना, बोले मेरे पास एक अच्छा कपल है, एक अच्छा सिंगर भी है, क्योंकि सिंगर को तो मैं वरदान सिंह को तो जानता ही था, मैंने वरदान सिंह के साथ में, ये कहते हैं कि मैं टी सीरीज का जैसे जुबिन नौटियाल है ना, वैसे मैं फोटोफिट का जुबिन नौटियाल हूँ। तो इनके साथ में बात हो गई और गाना जैसे मैंने सुना, गाना सुनते सुनते अमित भाई बोले, सुरेश जी अविनाश जी और संभावना कैसे रहेंगे? मैं बोला भाई डन करो। और इस तरह से हमारा ये गाना 5 दिन के अंदर फ्लोर पे चला गया है ना,
फ्लोर पे जाते जाते ही फिर ऐसा कि इनका मैंने सच्ची बताऊं तो मैंने अविनाश संभावना का उतना कुछ मैंने दिखा भी नहीं था कि, तो फिर मैंने खुद सर्च करना शुरू किया कि भाई इनका ब्लॉग्स कितने अच्छे हैं, क्या करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरी वाइफ, मेरी बिटिया, उसने भी देखा, और फिर ये कारवां बनते गया, बनते बनते टीजर बना, टीजर बनते बनते आज देखो आप सब लोग सामने हो। थैंक यू वेरी मच, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, धन्यवाद। ओके, तो अगला सवाल है राजीव सर के लिए। PhotoFit Music Company has explored almost all genius. It has been explored by all genius. But what is that is coming next under your banner? यार आज रखना चाहिए। फिलहाल next you can see this song Chan. Mm-hmm. Okay. There is lot to come. I mean the list is too long. I don't think I will be able to explain. Uh-huh. But there is lot to come. There are lot of things in pipeline. And you will see, we are always stepping the next level in every coming song. Okay, great, that's great. And I hope you all the luck for that. Thank you. In future. Okay. Amit sir ke liye mera agla sawal hai. The project which is close to you, you know, this has been really close to your heart. So this has come finally out today. So tell us more about this journey. Ye pura jo journey raha hai, kyunki ye song aapke ekdam dil ke kareeb hai. To ye journey kaisi thi aapki? सबसे पहले तो सबको यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक यू सो मच ऑल। आप लोगों ने टीज़र पे ही बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और अगर जर्नी की बात करूँ तो अविनाश से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। और जब हमने यहाँ पे हमने मुंबई में सफ़र साथ में स्टार्ट किया था, और बहुत काफ़ी टाइम से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और जब ये सॉन्ग जब स्टार्ट हो रहा था, जब उन्होंने वरदान जी ने कुछ लाइन्स मुझे सुनाई थी, तो मैंने अविनाश को कुछ सॉन्ग भेजा था, कुछ क्लिप्स भेजी थी, तो वहाँ से कुछ रिप्लाई आया। हम लोग कुछ मेरे माइंड में ऐसा कुछ करवा चौथ का कुछ था नहीं कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, बट सडनली अविनाश ने मुझे बताया कि यार हम लोग करवा चौथ पे कुछ सॉन्ग ऐसा कर सकते हैं। मैंने बोला यार ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। एक्चुअली करवा चौथ पे देखा जाए तो सॉन्ग है ही नहीं, या तो आप YRF के मूवीज़ में देखे होंगे, लेकिन पर्सनली किसी ने सॉन्ग ऐसा सोचा नहीं था। मैंने कहा यार हम लोग करते हैं कुछ, तो बस प्लानिंग स्टार्ट हुई और इतना खूबसूरत गाना बन गया है। और मुझे ऐसा सच में लगता है फेवरेट कपल सी मेरे दोस्त हैं दोनों, संभावना मैम हो गए, अविनाश हो गए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बट कपल एज एन दोस्त को हट करके इनसे बेस्ट कपल मुझे कहीं दिखा नहीं। और मैंने सबसे पहले कंसीडर किया कि नहीं, मुझे इन्हीं के साथ काम करना है, हम लोग करते हैं। और मुझे सच में नहीं पता था इस सॉन्ग का ये लेवल हो जाएगा बनते बनते, और इस तरीके से इतना ऑडियंस का इतना प्यार मिलेगा, इतना फैन फॉलोइंग, मतलब क्रेजी है। मतलब थैंक यू सो मच ऑल, मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू, ये तो बस शुरुआत है, अब देखिए लॉन्च होने के बाद क्या होने वाला है। इट्स गोइंग टू पीपल आर गोइंग टू गो क्रेजी। अगला सवाल मेरा वर्धन जी के लिए है। हाउ डू यू फील अबाउट दिस अमेजिंग रिस्पॉन्स जो आपके सुंदर से गाने को मिला है? ऑडियंस इतना सराह रही है आपकी आवाज़ को, सो हाउ डू यू फील कि फाइनली इतना टीजर को ही इतना धमाकेदार ओपनिंग मिली है, तो जब ये लॉन्च हो रहा है तो हाउ आर यू, व्हाट फील, व्हाट आर योर फीलिंग्स ऑन दैट? आई एम फीलिंग वेरी नर्वस। और एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि कोई भी गाना कितना भी अच्छा हो, उसको एक अच्छी रीच मिलती है ना, तो वो गाने को पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया देखती है। तो इसमें हुआ क्या कि इतना कुछ अविनाश जी और संभावना जी के बारे में सभी ने कह दिया कि अभी मेरे पास वर्ड्स ही गाने कहने के लिए आपको। तो एक्चुअली गाने को ना जो चार चार लगाएं आप दोनों लगाएं, ऑफकोर्स इट्स अ टीम वर्क एक्चुअली। और PhotoFit Music Company मेरे लिए फैमिली है, इस फैमिली में अभी दो लोग और जुड़े हैं। और अभी गाने को जो रिस्पांस मिलने वाला है, टीज़र तो बहुत कमाल का है, गाने को जो रिस्पांस आने वाला है वो शायद बियॉन्ड लिमिट है, ऐसा मेरा मुझे यकीन है। आई रियली होप एंड आई विश एंड आई नो दैट बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। आप देखेंगे हर बार कोई ना कोई रील्स अभी बनाना शुरू कर दिया है, तो पूरे सॉन्ग आने के बाद तो क्या बात है। एंड मूविंग अहेड, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू संभावना जी। अभी भी हाँ थोड़ा पूछ लेते हैं, एक्चुअली आप इतनी गॉर्जियस लग रही है, मुझे बड़ा मन कर रहा है कि आपको एक दो सवाल और पूछ लूँ। ओके मैम, डिड यू एवर थिंक दैट यू एंड अविनाश विल बी ए पार्ट ऑफ सच ए ब्यूटिफुल सॉन्ग? मतलब आई एम श्योर कि आपको काफ़ी ऑफर्स आते होंगे, बट दिस सॉन्ग इज सो ब्यूटिफुल, और जब हम सुन रहे हैं तो इतना सुंदर है ये, इतनी सुंदर गायकी है। तो डिड यू एवर थॉट और दिस थॉट एवर कम अक्रॉस कि मतलब आप दोनों इतना खूबसूरत से सॉन्ग में होंगे एक साथ? देखिए जब आप कपल होते हैं और एक्टर होते हैं, दोनों के दोनों डांसर होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, तो आप हमेशा चाहते हो कि आप
साथ में दिखो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम लोग जरूर साथ में दिखें। लेकिन सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन ये हो जाएगा, सोचने में और होने में बहुत अंतर है। तो ये हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाहती तो मैं हमेशा से थी कि यू नो अविनाश शर्मा साथ में काम करें, पर ये पहली बार हुआ है और ये वाकई ड्रीम कम ट्रू है। सो मैं फोटोफिट म्यूजिक कंपनी को बहुत बहुत थैंक्स करूँगी जिन्होंने हमें कंसीडर किया इस सॉन्ग के लिए। Like a dream come true. Yes. Okay. And one more thing I really like to ask you, that what do you have to say about our entire photo fit team and Amit sir as a director? As Amit already told you, he's been a friend. He's been a very good friend for years now. And Amit aur Avinash bahut achhe dost hain. Lekin humne kaam kiya hai, wo bahut alag cheez hai. दोस्ती अलग होती है जब काम में प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल आप काम करते हो, वी एज अ डायरेक्टर एंड वी एज एन एक्टर, तो वो बहुत अलग चीज़ हो जाती है। वहाँ पे आपको सुनना भी पड़ता है, वहाँ पे आपको एज अ डायरेक्टर समझाना भी पड़ता है, तो बहुत फ्लोर पे जाती है ना जब चीज़ें, तो बहुत डिफरेंट होती है। बट अमित ने ऐसा सुपर्ब हैंडल किया, क्योंकि उस दिन आपको सही बताऊँ तो हम लोग बहुत स्ट्रेस में थे। जिस दिन गाना था उसके बहुत सारे पीछे रीजंस थे, अभी उस पर नहीं जाऊँगी मैं, लेकिन जब सेट पे थे हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे और बहुत टायर्ड थे। ये अब आपको दिखेगा नहीं गाने में, क्योंकि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अमित, कि इन्होंने इतना फ्रेश हमें दिखाया है गाने में। हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे और ये भी लग रहा था कि ओ गॉड कैसे करेंगे। मेरे को लग रहा था मेरा ही पहला शॉट है, मैं क्या करूँगी, मेरे को डांस करने को कहो तो मैं फटाफट कर देती हूँ, लेकिन अविनाश के लिए वो मेरे को ऐसे उठना है, ऐसे जगना है, पता नहीं। तो मैंने ये सब नहीं किया हुआ, तो मैं बहुत डरी हुई थी और सामने ये भी बैठा हुआ था, तो और डरी हुई थी कि हंसेगा मेरे पर। तो बट अमित ने इतना अच्छा फील कराया, यू नो, इतना रिलैक्स बेस से काम कराया। एंड देन फाइनली वी मेट द प्रोड्यूसर, एंड उसी दिन मेरी मुलाकात एक्चुअली इनसे हुई है, सुरेश जी से, और बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा होमली सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि घर का ही लोग सब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं प्रोफेशनली आप आए हो और जहाँ पे यू नो यू जस्ट हैव टू वर्क एंड गो बैक होम। आपको ऐसा लग रहा था कि ये हमारी अपनी फैमिली है और इनके लिए 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, क्या कितने भी आवर्स हो, हमें कंप्लीट करना है, अच्छा करना है सॉन्ग। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इट्स अ टीम वर्क फॉर श्योर। अमेजिंग, अमेजिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अविनाश, मेरा सवाल है, फैंस आर गोइंग क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी, क्योंकि एक तो आप दोनों को देखना चाहते थे और वो भी इतना सुंदर गाना, मतलब यू नो लाइक 5 स्टार्स हो गए, बिल्कुल 4 चांद लग गए वैसा है। So both you are seeing on the screen, they have gone really crazy. So finally that day has come where your dream have come true. So आपको ये कैसा लग रहा है कि you know you are actually starting with your wife and now that your year in there launch हो गया है, तो how are you, your feelings about it? सबसे पहले तो thank you so much सभी media के लोगों को जो यहाँ पर आए हैं, और मैं कहूँगा 4 चांद नहीं, actually 5 चांद लगे, 6 चांद लगे, इन 6 लोगों ने मिलके चांद को बनाया है। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं हमेशा से, हमारी जब हम पहली बार मिले थे तब से हम साथ में काम करना चाहते थे, लेकिन कभी कोई ऐसा मौका बना नहीं। स्टेज शोज हमने बहुत किए हैं, लेकिन एक गाना और रोमांटिक गाना वो हम डेफिनेटली शुरू से करना चाहते थे। और मुझे भी तो, मतलब मैं चाहता था मेरे पास अपनी वाइफ के लिए गाने के लिए मेरा अपना ओरिजिनल गाना हो। मैं तुझे देखा तो ये जाना सनम बहुत गा चुका हूँ, अब मैं गाऊँगा चांद को तक लेना, तो मेरी वाइफ के लिए मेरा पर्सनल ओरिजिनल सॉन्ग होगा। और मुझे ऐसा लगता है इसमें सबका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे जब हम कोई डिश पकाते हैं, कोई रेसिपी करते हैं, तो उसमें LPG लगती है, तो मुझे लगता है LPG प्रोड्यूसर की तरह। अगर LPG ना हो तो दुनिया की कोई रेसिपी नहीं बन सकती। और उसके बाद जो चूल्हा है वो राजीव जी की तरह है, उसमें जो नमक है वो वरदान है, उसमें जो सब्जी वो शायद हम दोनों, और जो रसोईया इस खाने को पका रहा है वो अमित है। तो ये अगर पूरी टीम ना हो तो ये रेसिपी तैयार नहीं होगी। सभी चीज़ का इक्वल इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई वी हैव सच अ फैबुलस थिंग एंड आउटपुट ऑल्सो। मूविंग अहेड, जो मैंने संभावना मैम को ही पूछा वही सवाल है कि आप भले अमित सर को पहले से जानते हो, बट स्टिल वर्किंग विद हिम एज अ डायरेक्टर एंड वर्किंग विद द एंटायर फोटो फिट टीम, उसका अनुभव कैसा रहा आपके लिए? मुझे फर्स्ट टाइम किसी सेट पे सेट जैसी फीलिंग नहीं है। मैं कई लोगों, कई एक्टर्स के और बाकी जो लोग काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनके मैं हमेशा स्टेटस पढ़ता हूँ, उनके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ कि लाइफ में बेस्ट चीज़ होती है जब हम किसी फिल्म सेट पे होते हैं, हर लोग लिखते हैं, लेकिन मुझे बहुत नर्वस फील होता है फिल्म सेट पे। तो पहली बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि एक फिल्म सेट पे अच्छा फील होना या कंफर्टेबल फील होना, कि आप ऐसा लग रहा है कि आप घर पे ही रिलैक्स कर रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। एंड दैट वाज द रीज़न कि इसमें कई पार्ट्स ऐसे थे जो कोरियोग्राफ भी नहीं थे, जो इम्प्रॉम्प्टू थे, और वो अपने आप ऐसे निकल के आए जो हमने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
अमेजिंग अमेजिंग थैंक यू एवरीवन थैंक यू एवरीवन व्यूअर्स को तो सबको ऑलरेडी पता है एंड जिस तरह से मैसिव रिस्पांस हमें टीजर भी मिला उस हिसाब से हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट होगा और करवा चौथ का सॉन्ग है करवा चौथ बस आने ही वाला है तो इस बार करवा चौथ के लिए जितनी भी लेडीज है जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए गाना तैयार है जैसे मेरे लिए भी करवा चौथ के लिए अभी ये सॉन्ग तैयार है और इतनी एक्साइटेड हूँ मैं कि मैं आपको क्या बताऊँ इस सॉन्ग के लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ मैं काम कर रही हूँ रोमांटिक गाना कर रही हूँ अनलाइक जैसे मैं डांसिंग नंबर ज़्यादा करती थी मैं रोमांस कर रही हूँ कुछ अलग करने की कोशिश की है एंड आई एम श्योर लोगों का सपोर्ट रहा जिस तरह से ब्लॉग्स में लोग हमें इतना प्यार देते हैं वैसे ही अगर सब लोगों का इतना सपोर्ट रहा तो ये सॉन्ग बहुत बड़ा हिट होगा मैम व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट व्हाइल डूइंग ऑल दिस म्यूजिक वीडियो आई गेस द बेस्ट पार्ट वाज जब अमित ने हमें बताया कि ये जो टेबल है वहाँ पे मैंने कुछ व्हाइट कलर का सलवार कमीज पहना हुआ था और अविनाश वॉज वेयरिंग समथिंग इन ब्लू और अमित ने बोला यहाँ पर मैं टेबल के पास मैं कैमरा ऑन करूँगा और हम अपने टेक्स लेंगे तुम लोगों को क्या करना है तुम बस करो और मैं आपको बता रही हूँ वो शॉट्स जितने भी हैं वो सबसे बेस्ट आए हैं क्योंकि आई थिंक हमारे जो रियल केमिस्ट्री है वो बाहर आई उस शॉट के दौरान तो वो मेरे को बहुत वन ऑफ माई फेवरेट शॉट्स है जब आप देखेंगे जितने भी लोग वो वाइट वाला जिसमें मैंने सलवार कमीज पहन रखा है वो वाला शॉट देखोगे तो वो बड़े रियल शॉट्स हैं तो उसको हमने बहुत इंजॉय किया संभावना जी आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला अविनाश सर के साथ आपको सॉन्ग करना है तो कैसे रिएक्शन क्या था रिएक्शन तो तब होगा ना जब मुझे पता नहीं होगा सडनली पता लग गया हम दोनों इनसे मीटिंग करने आए थे तो कोई हमें कोई शॉक रिएक्शन था ओह माय गॉड हम दोनों को साथ में लिया है नहीं 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 वेल प्लान्ड ये तो प्लान था और हाँ ये जरूर था जब हमें ये पता लगा था कि हम दोनों को ये चीज साथ में ऑफर हो रही है तो हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग बहुत सालों से करना चाहते थे और मैं बहुत थैंकफुल हूँ सुरेश जी की मेरा नहीं। आप लोगों ने हाँ बोला हमारा यही बोला आपने मतलब एटलीस्ट किसी ने सोचा वरना क्या होता है हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है द मोमेंट आप किसी को एक एक्स रूप में देख लेते हो तो आप उसको टाइपकास्ट कर देते हो कि अच्छा ये मतलब नेगेटिव मतलब संभावना ने बिग बॉस किया मतलब संभावना नेगेटिव ही होगी अब तो इसको नेगेटिव ही रोल देते रहो या डांसिंग करती है तो डांसिंग ही देते रहो कोई और अलग क्यों नहीं सोचता जैसे सुरेश जी ने कुछ अलग सोचा अमित ने कुछ और अलग सोचा हमारे लिए वैसे बाकी लोग भी तो सोच सकते हैं मैं यही सोचती थी कि डू आई लुक ओनली नेगेटिव या लोगों को लगता है कि मैं डांस के अलावा कोई और कुछ और कर ही नहीं सकती हूँ बट ऐसा जब आपको चांस मिलता है जब आपका कॉन्फिडेंस अपने आपसे उतरने लगता है और ऐसे ही सडनली कोई चांस देता है तो उसकी आप मतलब हमेशा के लिए यू नो यू शुड बी ग्रेटफुल और मैं इनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने हमें ऐसा कुछ करने का अलग कुछ करने का मौका दिया राजीव जी क्योंकि मैडम का ये गाना तो हिट हो चुका था हमेशा माने कि बैक टू बैक प्रोजेक्ट आप मैडम सर के साथ चांद 2 3 सब कुछ हम देखेंगे Of course देखेंगे but not only Chan 1, Chan 2, Chan 3 we have सूरज भी देख सकते हैं सूरज भी देख सकते हैं दिन में तारे तारे भी देख सकते हैं of course है हमारे कुछ planning है which आप लोग gradually आप लोगों को channel में देखने को मिलेगा सूरज जी आप बताइए कि जैसे फोटो जो म्यूजिक कंपनी है काफी नए लोगों को भी मौका दे रहे मैंने देखा है कई सारे सेलिब्रिटी के साथ आपका काम कर रही है ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया इसके बारे में थोड़ा बेसिकली हमारा जो काम है सॉफ्टवेयर कंपनी है मेरी और थोड़ा सा ब्रीफ 2 मिनट का बता दूंगा समझ में आ जाएगा फोटो फिट किया है तो लास्ट लॉकडाउन से 1 महीना पहले मतलब फरवरी 2020 में एक बार अमित भाई ने बोला कि सर हम लोग एक कुछ काम करते हैं एक गाना बनाते हैं तब कंपनी का उतना थॉट्स अपने दिमाग में था नहीं कि इतना लंबा चौड़ा काम करना कच्छ का रेगिस्तान बहुत जो सफ़ेद रण है बहुत अच्छा खिला हुआ है इस बार तो ठंडी की मौसम थी ठंड का महीना था तो हमने एक बढ़िया सा मीराबाई का एक भजन था पद था उसको गाने में कन्वर्ट किया और हमने एक गाना बनाया और वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है आज हम अंधेरी में हमारा 4500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है हमने 8000 स्क्वायर फीट का एक VFX स्टूडियो लिया हुआ है जो कि वहाँ हर बंदे की नीड ख़त्म हो जाएगी आप छोटे अपनी एडवर्टाइज से लेके बड़ी मूवीज़ तक आप वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो
तो हम खुद अपनी एक बहुत अच्छी एक लाजवाब मूवी भी ला रहे हैं जो जस्ट लाइक आपको डिज्नी फील कराएगी और बहुत कुछ आगे प्लानिंग है। और बेसिकली फोटो फिट का मतलब ऐसा है कि एक ऐसी फ्रेम है कि जिसके अंदर आप कैसे हो, आपका कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, कोई मैटर नहीं करती, आप में टैलेंट क्या है, आप टैलेंट अपना दिखाओ, फ्रेम में आप फिट हो, वही फोटो फिट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने तो इस इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ, मतलब आपको नहीं लग रहा रिच से कुछ जाने कुछ जानकारी नहीं इंडस्ट्री के बारे में? नहीं, जानकारी तो बहुत रखी है मैंने, जानकारी है नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि मेरे जो ग्रुप है, मैं ना तो मेरे दादा परदादा, मेरी पुस्तानियाँ भी कोई इसको देखते हैं, हम लोग टीवी में जब पहली बार रामायण देखी थी तब पता चलता टीवी इसको ही बोलते हैं, तब से लेके अभी तक हमारे घर में कोई नहीं है, खानदान में कोई नहीं है कि जिन्होंने काम किया उसमें, बट एक लगन दी कि कुछ करना है, कुछ लोगों के लिए करना है, कुछ जो लोग आज मार्केट में अपना टैलेंट लेके बैठे हुए हिडन है वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उस सोच में मैंने ये एंटरटेनमेंट कंपनी बनाई है। मेरी इस कंपनी की 9 अलग अलग पेरेंट कंपनियां हैं, आपको आगे आगे फोटो फिट ग्रुप के बारे में पता चलता जाएगा कि ग्रुप काम क्या करता है। हम चैरिटी भी करेंगे, हमारा फाउंडेशन है फोटो फिट फाउंडेशन के नाम से जो नेक्स्ट ईयर रिलीज कर रहे हैं हम लोग, जो सोसाइटी में जिनको हेल्प नहीं मिल रही है, जो सोसाइटी में कमजोर लोग हैं, हम उनको भी हेल्प करेंगे। आप अपने घर बैठे कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हो, आप घर बैठे कैसे काम कर सकते हो। फोटो फिट का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, फोटो फिट का मकसद है एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को हर तरह से उसका विकास होना चाहिए, हर तरह का उसको डेवलपमेंट मिले और हर तरह की उनके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो भी कसब बोलता है टैलेंट ना, आपके पास चाहे आप फिल्म लाइन में हो, चाहे आपको कोई भी कोई चीज़ की आपके पास कलागिरी है, कलाकारी है, हम आपका स्वागत करते हैं, आपको हम अपनी फ्रेम में लाएंगे। थैंक यू। संभावना जी, जैसे कि करवा चौथ आ रहा है तो आपका क्या प्लान है करवा चौथ पे, क्योंकि आपका सॉन्ग भी आया है, क्या स्पेशल करने वाले हैं आप इस बार करवा चौथ पे? करवा चौथ का व्रत तो रखना ही है, उसके अलावा इस गाने पे रील्स बहुत बनाऊंगी मैं, परेशान कर दूंगी लोगों को रील्स बना बना के, क्योंकि तैयार होने का वही एक मौका मिलता है। देखो फिल्मों में और गानों में हम लोग इतना ज्यादा तैयार होते हैं कि रियल लाइफ में एक्चुअली आप मुझसे पूछोगे ना तो आप जब मुझे ब्लॉग्स में भी देखोगे तो मुझे बिल्कुल नो मेकअप लुक में देखोगे आप, बिल्कुल मैं मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ, तैयार होना तो बिल्कुल ही मैं अपने नाइट सूट में ही आपको नजर आती रहूंगी। लेकिन यही एक महिलाओं के लिए स्पेशली ये त्यौहार ऐसा है जहाँ पे आपको सजने का मौका मिलता है, एंड उस दिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है तैयार होना अविनाश के लिए मैं व्रत रखती हूँ, तो ऑब्वियसली तैयार होना मतलब पूरा अच्छी तरह से साड़ी वाड़ी पहन के मैं तैयार होंगी, और इस करवा चौथ खास ये होगा कि व्रत के अलावा इस सॉन्ग पे रील्स बनेंगी। हाँ ये पूछो जल्दी, गिफ्ट है, गिफ्ट एक सरप्राइज है जो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो फिर सब जगह रिवील हो जाएगा, वो आपको करवा चौथ के व्लॉग में देखने को मिलेगा, वही होगा कि कुछ नहीं है। अभी जी एक आखिरी सवाल ये कि कैप्टन ऑफ शिप हैं आप, ये जो हमारी शिप है वो समुंदर में बहुत अच्छी तरीके से जा रही है, तो आप बताइए कि अच्छे व्यू भी मिल रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है, कैसे देखते हैं आप? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं और मैंने अभी देखा जैसे सॉन्ग लॉन्च हुआ है, अभी जैसे ही सॉन्ग रिलीज़ हुआ है तो काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सारे ऑडियंस का और बाकी इनके फैन फॉलोइंग का। सो बस आगे यही है कि आगे और प्यार मिले ऐसे ही, हम और भी आगे प्रोजेक्ट करें, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करें, लाइनअप है काफ़ी पाइपलाइन में अविनाश के साथ सारी चीज़ें, तो करेंगे, सिविल होगा तो आप लोग को जल्दी पता चल जाएगा। और चूंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों का खत्म हो चुका है अब तो मैं जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, आप लोगों को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, कुछ लोग नए हैं, हाँ अभी मैं मिली भी हूँ, तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग भी इस गाने पे रील्स बनाइए। सुनो, अगर नहीं बनाई तो छोड़ूंगी नहीं, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, अगर मुझे टैग नहीं किया, अविनाश को टैग नहीं किया ना, तो देख लेना छोड़ूंगी नहीं मैं फिर वही हूँ बिग बॉस वाली। तो रील्स बनाओ, और कितनी सारी लड़कियां यहाँ पर रील्स बनाओ ना, क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बनाते और सी मिनट समझो, आप तो जी एक एक्स्ट्रा लेके ही मानोगे, बिग बॉस का नाम लिया सर, बिग बॉस का नाम लिया, मैं ना
आपको बिग बॉस में देखना चाहती हूँ। आप इतने कलाकांडी हो ना, आपको मैं बिग बॉस में एक आप हो एक ही है, दोनों को मैं बिग बॉस में देखना चाहूंगी। आप क्या करते हो? मैं देख नहीं रही हूँ बिग बॉस, लेकिन जिस दिन देखूंगी उस दिन डेफिनेटली मैं मीडिया के सामने जरूर बात करूंगी। फिलहाल देखने का मौका नहीं मिला है। बिग बॉस सबका फेवरेट गेम है, मेरी ऐसी की तैसी करी है, बहुतों की और करूंगा लेकिन फिर भी सबको बहुत मजा आता है बिग बॉस देखने में। कॉन्ट्रोवर्शियल है एंड लेट्स ऑल एंजॉय। क्या चीज, क्या क्या बोलो बोलो।